हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन नज़र में। दोस्तों, असंगठित बांधकाम कामगार के साथ काम की जगह पर अचानक कोई हादसा या दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उस बांधकाम कामगार को 75% अपंगत्व आता है, तब उस कामगार को कल्याणकारी मंडल के द्वारा 2 लाख रुपये की अर्थ सहायता दिया जाता है। 2 लाख रुपये अर्थ सहायता का फॉर्म कैसा भरना है, यही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो के एंडिंग में एक विशेष सूचना है, उस विशेष सूचना को भी आप लोग जरूर सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं बांधकाम कामगार दावासाठी ऑनलाइन अर्ज करा, हमें इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हमने उस पर क्लिक कर लिया है तो हमारे सामने एक बॉक्स नज़र आएगा, आप लोग देख सकते हैं। वहां पर आपको लिखाई दिखाई देगा सिलेक्ट एक्शन, उस बॉक्स में हमें क्लिक करना है। दोस्तों, कामगार के तत्व आया है इसलिए हम 2 लाख रुपये की फाइल डाल रहे हैं, इसलिए हम न्यू क्लेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें न्यू क्लाइम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम न्यू क्लाइम को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने बांधकाम कामगार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो हमें नोनी करते समय मिला था। और जैसे ही हम बांधकाम कामगार के रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे तो प्रोसेस टू फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं बांधकाम कामगार का रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ, आप लोग भी उसी तरह से डालें। दोस्तों, जैसे ही मैंने प्रोसेस टू फॉर्म पर क्लिक कर लिया है तो बांधकाम कामगार के रजिस्ट्रेशन नंबर पर OTP आया है, बस उसी OTP को हमें कॉपी करना है और इस बॉक्स में पेस्ट करना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस OTP को कॉपी करके पेस्ट कर लिया और वैलिड OTP पर क्लिक कर लिया है तो बांधकाम कामगार की सारी पर्सनल डिटेल खुलकर आएगी। तो हमें सबसे नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा सिलेक्ट स्कीम कैटेगरी योजना श्रेणी नोडा, बस इस बॉक्स में हमें क्लिक कर लेना है। हेल्थ वेलफेयर स्कीम आरोग्य कल्याण योजना, इस पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं नोंदित बांधकाम कामगारास 75% अपंगत्व आल्यास रुपये 2 लाख रुपये अर्थसहाय, बस हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने उस पर क्लिक कर लिया है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करना होगा। नेम ऑफ सिविल सर्जन जिला चिकित्सकाचे नाव, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का नाम और सर्जन का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे के बॉक्स में एड्रेस ऑफ हॉस्पिटल, रुग्णालयाचा पत्ता, हॉस्पिटल का पत्ता डालना है जहाँ पर आपका इलाज किया गया था। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे की बॉक्स में आना है डेट ऑफ सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी अपंगत्वाचा प्रमाणपत्राची तारीख डालना है, जो तारीख को आपको एडमिट किया गया था, जिस तारीख में आपका इलाज किया गया था वो तारीख वहाँ पर डालना है। उसके नीचे की बॉक्स में दोस्तों, वहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपंगत्वाचा प्रकार, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी हाथ या पैर अपंग हुआ है उसका उल्लेख यहाँ पर करना है, उसका प्रकार यहाँ पर डालना है। दोस्तों, ये सब भर लेने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, सबसे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट फॉर्म ए सिविल सर्जन बोर्ड विथ 75% डिसेबिलिटी, यानी 75% अपंगत्व असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक मंडळाचे प्रमाणपत्र, इसे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयं घोषणा पत्र को भी अपलोड करना है। दोस्तों, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कागज पत्र पड़ताल लें, इस पर टिक मार्क लगाना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म मंडल के पास भेज दिया जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा जिसका आपको स्क्रीनशॉट काटकर सेव कर रखना है, आपको आगे के प्रोसेस के लिए काम आएगा। दोस्तों, आप सबके लिए विशेष सूचना, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, दोस्तों हो सकता है आपके आसपास में कोई गरीब मजदूर बांधकाम कामगार जिसके साथ दुर्घटना या कोई हादसा हुआ और उस दुर्घटना या हादसे के कारण उस कामगार को अपंगत्व आया हो, लेकिन फिर भी उस कामगार को इस तरह की योजना का लाभ मिला ना हो, तो प्लीज इस वीडियो को ऐसे जरूरतमंदों तक शेयर जरूर करें ताकि उन जरूरतमंद कामगारों को 2 लाख रुपए की अर्थ सहायता मिल जाए
जिससे कि वो अपना इलाज कर पाए। दोस्तों, वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बस आप भी खुश रहिए और अपने पूरे परिवार को हमेशा खुश रखिए। थैंक यू।